नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा फार्मिंग चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पक्षी हो सकता है जो आपकी बातों की हूबहू नकल कर सकता है? या फिर क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक छोटा सा पक्षी आपकी फसलों को बचा सकता है और आपकी कमाई का जरिया बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम मैना या इंडियन मैना की, जो हैरतअंगेज खूबियों से भरा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे आम मैना की पहचान और उसकी अनोखी विशेषताओं का खुलासा, जानेंगे इसके जीवन काल और वजन के बारे में कुछ रोचक तथ्य, खोजेंगे इसके पालने के फायदे जो हर किसान और पक्षी प्रेमी को जानने चाहिए, साथ ही जानेंगे इसके आक्रामक स्वभाव और उससे जुड़े नुकसान, और सबसे मजेदार, कैसे आप इस अद्भुत पक्षी से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्यमय पक्षी की सारी बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। आम मैना, जिसका वैज्ञानिक नाम एक्रिडोदर्स ट्रिस्टिस है, एक बहुत ही अनोखा पक्षी है जो दक्षिण एशिया का मूल निवासी है। इसकी पहचान इसके भूरे शरीर, काले सिर, पीले आंखों के पैच और चमकीले पीले पैरों और चोंच से की जा सकती है। उम्र और वजन। आम मैना की जीवन काल लगभग 12 से 15 साल की होती है। ये पक्षी अपने हल्के वजन और छोटे आकार के कारण बहुत फुर्तीले होते हैं। इनका वजन लगभग 120 से 140 ग्राम होता है, जिससे यह आसानी से उड़ सकते हैं और शिकारियों से बच सकते हैं। जीवन काल में उचित देखभाल और सुरक्षित पर्यावरण देने पर ये पक्षी लंबी उम्र तक जीवित रह सकते हैं। खुराक और खाने के टिप्स। आम मैना सर्वाहारी होती है, जो फल, अनाज, कीड़े और छोटे अकशेरुकी जीव खाती है। इसे ताजे फल, सब्जियाँ और हाई प्रोटीन फूड देना चाहिए। नर और मादा की पहचान और आदतें। नर और मादा आम मैना दिखने में लगभग समान होते हैं, लेकिन नर थोड़ा बड़ा और अधिक आक्रामक होता है। मादा प्रजनन के समय अधिक सुरक्षात्मक होती है। प्रकार और पहचान। कॉमन मैना, कॉमन माइन, एक प्रसिद्ध और आम पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यह एक बड़ा पक्षी है जिसका शरीर काले और भूरे रंग का होता है और इसके पंख पिछवाड़े पर सफेद और भूरे रंग के धार होते हैं। यह पक्षी बड़े समूहों में घूमता है और आमतौर पर छतों या पेड़ों पर बसता है। इसकी पहचान आसान होती है क्योंकि इसके मुंह का रंग और छाता इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। इसकी बात करें तो कॉमन मैना के प्राचीन रोमन चित्रों में आमतौर पर खूबसूरत ध्वनि और तेज बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में उसका उल्लेख किया गया है। इसकी चरम पहचान होती है उसके पिछवाड़े पर व्हाइट पैच, जो विशेष रूप से उसके उड़ने के समय दिखाई देता है। इसकी आवाज भी इसे पहचानने में मदद करती है। यह एक सुरीली और चहेती आवाज में गूंजता है जो बाजारों और नगरों में सुनाई देता है। कॉमन मैना एक सामाजिक पक्षी है जो अकेले नहीं बल्कि एक समूह के साथ अपना समय बिताता है। इसका आकार भी मेंढकर पक्षियों के बीच से इसे पहचाना आसान बनाता है। फायदे और लाभ। बोलने की क्षमता। आम मैना अपनी बोलने की क्षमता और मानव आवाज की नकल करने की योग्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी विभिन्न ध्वनियों को सीखने और दोहराने में माहिर होता है, जिससे यह बच्चों और वयस्कों के लिए एक मनोरंजक साथी बन जाता है। आप इसे सरल शब्द और वाक्य सिखा सकते हैं, जिससे यह आपके घर के माहौल को मजेदार बना सकता है। कृषि में मदद। यह पक्षी खेतों में कीटों का शिकार करके किसानों की मदद करता है। आम मैना कीड़े, तिलचट्टे और अन्य छोटे कीटों को खाकर फसलों को नुकसान से बचाती है। इसके कारण यह पक्षी प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, जो रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है और पर्यावरण को सुरक्षित बनाता है। सौंदर्य। यह अपने आकर्षक रंग और सुंदर आवाज के कारण बागों और घरों में सौंदर्य बढ़ाता है। आम मैना का गाना और उसके रंग बिरंगे पंख किसी भी बगीचे या आंगन को जीवंत बना सकते हैं। इसके साथ ही इसकी सुरीली आवाज सुबह सुबह के समय को और भी मधुर बना देती है।
आसान देखभाल। इसकी देखभाल करना बहुत आसान होता है और यह बहुत ही अनुकूलनीय पक्षी है। आम मैना के लिए विशेष भोजन या अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। यह सामान्य रूप से अनाज, फल और छोटे कीट खाकर जीवित रह सकते हैं। इसके साथ ही ये पक्षी विभिन्न वातावरणों में खुद को ढाल लेते हैं, जिससे इन्हें पालतू बनाना और रखना बहुत आसान होता है। नुकसान और समस्याएं। आक्रामकता। आम मैना को उसकी आक्रामक प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता है, जिससे यह अन्य पक्षियों और जानवरों के लिए खतरा बन सकता है। यह अपने घोंसले की रक्षा के लिए अन्य पक्षियों को भगाने या हमला करने से भी पीछे नहीं हटता। इसके आक्रामक व्यवहार के कारण यह कभी कभी स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर सकता है। इन्वेसिव स्पीशीज। कई देशों में इसे एक आक्रामक प्रजाति माना जाता है, जो स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। यह पक्षी अन्य प्रजातियों के लिए भोजन और घोंसले के स्थानों पर प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे स्थानीय प्रजातियों की संख्या घट सकती है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में इसे एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में देखा जाता है। शोर। यह पक्षी बहुत शोर मचाता है, जो कुछ लोगों को परेशानी दे सकता है। आम मैना की तेज और लगातार आवाजें कभी कभी शांति पसंद करने वालों के लिए असुविधाजनक हो सकती हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में इनकी आवाजें ध्वनि प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। अंडे और बच्चे। आम मैना एक बार में 4 से 6 अंडे देती है। अंडे देने के लगभग 13 से 15 दिनों के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। यह पक्षी अपने घोंसले को सुरक्षित और छिपे हुए स्थानों पर बनाता है, जैसे घर की छतें, दीवारों की दरारें और पेड़ों की कोटरें। बच्चे लगभग 3 सप्ताह में उड़ने लायक हो जाते हैं और 1 से 2 साल के भीतर पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इनका पालन पोषण माता पिता दोनों मिलकर करते हैं, जिससे इनकी उत्तरजीविता दर काफी अच्छी होती है। कमाई की संभावना। आम मैना को पालतू पक्षी के रूप में बेचकर कमाई की जा सकती है। यह पक्षी अपनी बोलने की क्षमता और सुंदरता के कारण पालतू पक्षी प्रेमियों में लोकप्रिय है। इसके अलावा इनकी नकल करने की योग्यता के कारण इन्हें शो और मनोरंजन उद्योग में भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त आय हो सकती है। इसके लिए आपको इन पक्षियों को प्रशिक्षण देने और उनकी देखभाल करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी आम मैना के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बाबा फार्मिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप बार्मिन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन लगाए और एक मिनिमम फीस देकर जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। हम जल्द ही एक नई और रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और खेती करते रहें।